चलिए तो राजेश आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। इस वक्त प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा आ चुकी हैं एयरपोर्ट पर और इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार संवैधानिक रूप से भी हमारे जो निर्वाचित विधानसभा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुँचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। आज एक रैली के माध्यम से लोगों तक ये बात पहुँचाई जाएगी कि आरक्षण का जो मामला है, जो विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए, आज उसे कानून बनाने में कैसे अड़चनें पैदा की जा रही, जब सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित किया जाए तो उसके बाद उस पर ऐसी अड़चनें पैदा करना यहाँ के लोगों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। तो आज हम इस रैली में इन सब बातों को रखेंगे। उसके अलावा आज राजीव भवन में हम हमारे जो प्रकोष्ठ हैं उनके अध्यक्षों से भी बातचीत करेंगे। विधायक दल की बैठक होगी और हमारे MLA साहिबान से भी बातचीत की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस जनाधिकार महारैली निकालने जा रही है जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा सम्मिलित होंगी। इसके साथ ही आगामी फरवरी महीने में 24 फरवरी से कांग्रेस का महाअधिवेशन इस बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाना है, जिसकी तैयारियों को लेकर भी आज वो समीक्षा करने जा रही है। इसी के साथ 3 बजे वो एक बैठक लेने वाली है, अहम बैठक ही होने जा रही है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है एयरपोर्ट पर। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर लगातार आक्रोश जनता में भी देखा जा रहा है और जनता के हित के लिए आज ये रैली निकाली जाएगी। रैली के जरिए जनता तक बातों को पहुंचाएंगे, कहना कुमारी सैलजा का। तो एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, कुछ देर पहले एयरपोर्ट पहुंची हैं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि महारैली आज निकाली जा रही है, लाखों की संख्या में इसमें लोग जुड़ेंगे और इस रैली के जरिए जनता तक इस बात को पहुंचाया जाएगा कि आरक्षण उनका अधिकार है और इसमें लेट लतीफी बीजेपी की वजह से की जा रही है। एयरपोर्ट पर PCC चीफ मोहन मरकाम ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद कांग्रेस के महाधिवेशन स्थल का भी आज कुमारी सैलजा मुआयना करने पहुंचेंगी। आपको बता दें कि 24 फरवरी से कांग्रेस का महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में आयोजित होना है, जिसको लेकर भी तैयारियों को लेकर वो जायजा लेंगी, मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो एक तरफ जनाधिकार महारैली, दूसरी तरफ कांग्रेस का महाधिवेशन होना है जिसकी तैयारियों का भी आज वो जायजा लेने के लिए नया रायपुर पहुंचेंगे। बता दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन छत्तीसगढ़ में इस बार होने जा रहा है, 24 फरवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और नया रायपुर का चुनाव इसके लिए किया गया है महाधिवेशन के लिए। तो कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने के लिए भी आज कुमारी सैलजा पहुंचेंगे। इसी के साथ तैयारियों को लेकर भी आज चर्चा होगी, एक अहम बैठक होने जा रही है राजीव भवन में। दोपहर 3 बजे के करीब ये बैठक होगी जिसमें कुमारी सैलजा तमाम तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज महारैली है, महारैली में भी वो सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, दो अहम आयोजन होने हैं, एक तरफ महारैली और दूसरी तरफ महाधिवेशन की तैयारियां, दोनों में ही कुमारी सैलजा का अहम रोल होने वाला है। किस तरह से पूरी तैयारियां और इस वक्त वहां पर से क्या निकल चुकी है कुमारी सैलजा?
देखिए, जो कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है कुमारी शैलजा, वो रायपुर पहुंची, यहाँ पर उन्होंने बात रखी और सीधा यहाँ से सर्किट हाउस में रवाना हो गई है। जब आज दिन भर के कार्यक्रम की बात करें तो दो बड़े कार्यक्रम है, एक तो वो जो कांग्रेस का महाअधिवेशन होना है रायपुर में, नया रायपुर के सभा स्थल में, वहां पर वो निरीक्षण करने जाएंगी, तैयारियों को जायजा लेंगी। और इसके अलावा बता दूं कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस आज एक महारैली निकालने जा रही है, उस रैली में भी कुमारी शैलजा वो शामिल होंगी। तो ये दो बड़े प्रमुख है। इसके अलावा शाम के विधायक की बैठक भी रखी गई है कांग्रेस की, तो उसमें भी वो शामिल हो सकती है, ऐसी जानकारी है। और दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार का पक्ष मजबूती से विधानसभा में रखना है, जो विपक्ष से सवाल आएंगे उसका किस तरीके से फेस करना है, किस तरीके से जवाब देना है। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो जो महाअधिवेशन है उसको तैयारियों की समीक्षा करी की जाएगी, साथ ही साथ महारैली जो आरक्षण के संबंध में जो आज कांग्रेस निकालने जा रही है उसमें वो शामिल होंगी। और कहीं ना कहीं बात उसमें ये सवाल उन्होंने रखा है कि जब सर्वसम्मति से जो विधेयक पारित किया गया है उस पर क्यों अब तक हस्ताक्षर नहीं किया गया और क्यों उस पर आपत्ति लगाई जा रही है, तो इस बात को लेकर नाराजगी है। और इसी के संबंध में कांग्रेस जो है महारैली आज निकालने जा रही है और उसमें वो शिरकत करेंगी। बिल्कुल, महारैली नाम से ही साफ है कि महारैली ये होने वाली है, जनाधिकार महारैली है और माना जा रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें सम्मिलित होंगे। इस महारैली की तमाम अपडेट्स, तमाम तस्वीरें आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए स्टार आपका